अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सिमरा। दिस इज़ योर ग्रामर्स लेक्चर एंड टुडे वी आर अबाउट टू स्टार्ट यूनिट नंबर 8, द सिंपल फ्यूचर टेंस। द डेट इज 30 जून 2020 एंड राइट सी डॉट डब्ल्यू फॉर क्लास वर्क एंड द डे इज़ ट्यूजडे। सो वट इज़ फ्यूचर? फ्यूचर मीन्स ऐसा टाइम जो अभी आने वाला है, ठीक है? आने वाले टाइम को फ्यूचर कहते हैं एंड उर्दू देर इज़ अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट विच इज़ मुस्तकबिल। ठीक है, मुस्तकबिल यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड मुस्तकबिल, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज इट्स अ डिफ़िकल्ट वर्ड। सो आई टोल्ड यू इन सिंपल उर्दू के आप जो भी आने वाला टाइम होता है उसको फ्यूचर कहते हैं, चाहे वो टाइम एक घंटे बाद हो, दो मिनट बाद हो, एक मिनट बाद हो, एक साल बाद हो, ठीक है, एक महीने बाद हो, दैट वुड बी फ्यूचर टेंस। लाइक मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी, तो अभी वो टाइम तो नहीं आया ना, थोड़ी देर बाद आएगा। ओके, मैं 5 साल बाद ग्रेजुएशन करूँगी, मैं 5 साल बाद वहाँ जॉब करूँगी। सो 5 साल अभी नहीं आए, दैट इज़ रेफर्ड फ्रॉम फ्यूचर। सो लुक एट द पिक्चर्स, रीड द सेंटेंसेस, इन पिक्चर्स को देखें और सेंटेंसेस पढ़ें। आई शैल बी अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं डॉक्टर बनूंगी, या जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मीन्स बाद की बात हो रही है। वी शैल बी वेटरनेरियंस व्हेन वी ग्रो अप, हम वेटरनेरियंस बनेंगे जब हम ग्रो अप करेंगे, जब हम बड़े होंगे। हु आर द वेटरनेरियंस? वेटरनेरियंस आर द वंस हु स्टे एट वेट एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। वेट इज़ अ क्लिनिक फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए क्लिनिक होता है, उसको वेट कहते हैं, और वहाँ पर जो लोग एनिमल्स की देखभाल करते हैं, हु टेक केयर ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड वेटरनेरियंस। फियोना विल कम टू माई हाउस टुमारो, कल मेरे घर, लाइक कल की बात हो रही है, मीन्स इट इज़ रेफर टू फ्यूचर। फियोना मेरे घर आएगी कल, शी विल ब्रिंग हर स्टिकर एल्बम, और वो अपनी स्टिकर एल्बम लेकर आएगी। मिस्टर गोपाल, माई नेबर विल गो टू इंडिया नेक्स्ट वीक, मिस्टर गोपाल मेरे नेबर हैं, वो नेक्स्ट वीक, मीन नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, वो नेक्स्ट वीक इंडिया जाएंगे। ही विल स्टे फॉर अ मंथ, और वो एक महीने वहीं पर रहेंगे। टेड एंड रॉय विल प्ले सॉकर विद मी टुमारो, टेड एंड रॉय जो है वो मेरे साथ सॉकर खेलेंगे, मीन फुटबॉल खेलेंगे। दे विल मीट मी एट द फील्ड, वो मुझसे मैदान में मिलेंगे। The pet cat will be sent to my cousin's house tomorrow. जो pet cat है, जो मेरी पालतू बिल्ली है, वो मेरे cousin के घर भेज दूँगा मैं कल। It will stay there for 2 days, और वो वहाँ पर 2 दिन रहेगी। Page number 64. The simple future tense is used to talk about something in the future. Simple future tense हम उस टेंस को कहते हैं जो हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हो, आगे आने वाले वक्त के लिए। The words shall and will are in the simple future tense, और इसमें हम कौन से words use करते हैं? Shall and will. Read and learn. अब ये बहुत important points हैं, okay? यहाँ से यहाँ तक. We use shall with pronouns I and we. I और we के साथ हमेशा shall लगता है, okay? I और we के साथ क्या लगता है? Shall, हमेशा simple future tense में। Like I shall go to the park tomorrow. मैं कल पार्क जाऊंगा। वी शैल विजिट द जू नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते हम जू जाएंगे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, और विल किसके साथ? शैल और विल यूज़ होता है, शैल और विल। शैल यूज़ हो गया आई और वी के साथ, और विल किसके साथ यूज़ होगा? वी यूज़ विल विद प्रोनाउंस ही, शी, इट एंड दे, और वी विल हम किसके साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, दे, या फिर किसी भी नाम के साथ हम विल यूज़ करते हैं। लाइक ही विल बाई अ बाइसाइकिल नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ बाइसाइकिल खरीदेगा। शी विल बेक पिज्ज़ा फॉर डिनर, वो डिनर के लिए पिज्ज़ा बनाएगी। द कैट इज़ हंग्री, इट विल लुक फॉर फूड, कैट बहुत ज़्यादा हंग्री है, भूखी है, वो फूड ढूँढेगी। दे विल फिनिश देयर वर्क टुमारो, वो कल अपना काम ख़त्म कर लेंगे। सो एक्सरसाइज नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 18 विल बी योर क्लास वर्क एंड 19 विल बी गिवन टू यू एज होमवर्क। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास वर्क एक्सरसाइज। कंप्लीट द स्टोरी बिलो, फाइंड द ब्लैंक्स विद शैल और विल। इस पूरी स्टोरी को आपने कंप्लीट करना है शैल और विल लगा के। सो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? शैल। आई शैल गो टू जेरेमीज हाउस टुमारो, आई शैल गो टू Jeremy's house tomorrow. Shall का मतलब है गा गी, ठीक है। मैं जाऊँगा कल जर्मी के घर।
ही डैश प्ले कंप्यूटर गेम्स विद मी, वो मेरे साथ कंप्यूटर गेम्स खेलेगा. ही के साथ क्या आ रहा है? ही के साथ विल, ही विल प्ले कंप्यूटर गेम्स विद मी. जर्मी हैज़ अ सिस्टर, शी डैश जॉइन अस टू. जर्मी की एक बहन है, वो भी हमारे साथ खेलेगी. शी के साथ भी क्या आएगा? विल. सिर्फ आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल. वी डैश प्ले टुगेदर, वी एक आई के साथ शैल आ गया और दूसरा वी के साथ. वी शैल प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेलेंगे. जर्मीज मदर इज़ काइंड, जर्मी की मदर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, काइंड हैं. शी डैश बेक सम कुकीज फॉर अस, यूजली को कट कर दें. ओके, यूजली यहाँ नहीं आएगा, इट्स अ मिस्टेक. शी विल बेक सम कुकीज फॉर अस. आई डैश बी वेरी हैप्पी देयर, मैं वहाँ पर बहुत खुश होऊंगा. आई शैल बी, आई के साथ क्या आएगा? शैल. जर्मी हैज़ अ पेट डॉग, जर्मी का एक पेट डॉग है, एक पालतू डॉग है. It dash wag its tail when it see me. उसका tail means ऐसे जब dogs ऐसे tail हिलाते हैं ना खुशी से, ठीक है, तो वो अपनी tail wag करेगा. It will wag its tail when it see me. When it sees me, वो अपनी tail wag करेगा जब वो मुझे देखता है. My parents know Jeremy's parents. मेरे parents Jeremy के parents को जानते हैं. They dash not be worried about me. वो मेरे बारे में परेशान नहीं होंगे. They के साथ भी आ गया will. They will not be worried about me. So now you know the use of shall and will in this sentence. And I hope you do your exercise number 19 easily, because I told you, I have explained you this very well, I think. If you have any sort of queries or questions regarding this exercise, you can just ask me in your group. Now, till next class, take care of yourselves. Allah Hafiz.